हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। जो है कुछ फ्रॉड की बातें भी सामने आ रही हैं। यदि आपकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है तो, या कम आई है, और यदि आई है तो बहुत कम आई है, या फिर एक भी नहीं आई, फीस वापसी नहीं आई, कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि हमको ऐसे देखिए सुनने में आया है, वो न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि जो ठग हैं, सातिर दिमाग के लोग हैं, वो निशाने पर बना रहे हैं, ऐसे छात्रों को निशाने पर ले रहे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है या फिर अस्वीकृत हैं वो छात्र। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर बचें, क्योंकि ऐसे करने से आपकी स्कॉलरशिप तो आएगी नहीं, और आप घर से जो भी होगा 10-15 हज़ार जो मांगेंगे, आप मोटी रकम पाने के लिए वो दे सकते हैं। तो इसी बारे में ये वीडियो बनाना था। सोचे हम अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि आप किसी प्रकार की ठगी का शिकार ना हो। अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, या तो पहले तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो पर आपको सारे अपडेट्स उपलब्ध करवाते हैं अपने चैनल पर यूपी स्कॉलरशिप के, और उसके बाद यदि आप कहीं से जानकारी लेना चाहें तो केवल अपने कॉलेज, संस्था या फिर विभाग से ही संपर्क करें, अन्यथा और किसी से आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर और आप किसी और से संपर्क करते हैं तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। तो इसी बारे में सारी न्यूज़ है, और ये गिरोह एक चल रहा है, इस बारे में सारी न्यूज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है न्यूज़ आपके सामने कि सावधान, ठगों के निशाने पर हैं छात्रवृत्ति से अस्वीकृत विद्यार्थी, मोटी रकम के लालच में फंस सकते हैं छात्र। देखिए, ठग ने कर्मचारियों को दी पकड़ने की चुनौती। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने ठग के नंबर पर फ़ोन मिलाकर बात की, जिसमें भंडाफोड़ होने से बौखलाए ठग ने छात्र बनकर बात कर रहे कर्मचारी को पकड़ने के लिए चैलेंज भी कर दिया। ठीक है, और देखिए, इस नंबर से कॉल आई थी 8808211691। छात्रों के मोबाइल पर 8808211691 नंबर से कॉल आई, जिसमें कॉलर ठग ने कहा कि मैं NIC लखनऊ से बोल रहा हूं। उसने छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करने को कहा, साथ ही 3500 रुपये जमा कराने के लिए अपना बैंक खाता नंबर दिया। आश्वासन दिया कि 72 घंटे के अंदर छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच जाएगी। इसके अलावा देखिए, उसने दो कॉलेजों के प्राचार्यों के पास भी फ़ोन किया। देखिए, छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों ने दो कॉलेजों के प्राचार्यों के पास फ़ोन किया। इस दौरान उन कॉलेजों के विद्यार्थियों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई। इनमें सरैया ओयल स्थित बाबू रामेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज और धौरहरा स्थित चौधरी बेचेलाल डिग्री कॉलेज शामिल हैं। माना जा रहा है कि कुछ अन्य कॉलेजों के विद्यार्थी से भी संपर्क किया गया हो, लेकिन अभी वे मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। वस्तु स्थिति कुछ भी हो, DIOS और समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि इस तरह के झांसे में विद्यार्थी ना आए। तो पूरी जो न्यूज़ है मैं वो आपको पहले सुना देता हूँ। देखिए, अमर उजाला की न्यूज़ है ये, लखीमपुर खीरी की। देखिए, छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में BEd, DLED और LLB के छात्र छात्राएं निशाने पर हैं, क्योंकि इन कक्षाओं की छात्रवृत्ति की मोटी रकम है। मसलन BEd कोर्स की छात्रवृत्ति 51,250 रुपये है, जिसमें जातिवार आरक्षित श्रेणी रकम कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह LLB में 14,000 और DLED में 21,000 रुपये की छात्रवृत्ति की रकम दी जाती है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि जनपद में जिला स्तरीय छात्रवृत्ति कमेटी ने विभिन्न कारणों से करीब 1100 छात्रों को रिजेक्ट किया गया है, जिसमें ज़्यादातर BEd, DLED और LLB के छात्र हैं। ऐसे छात्रों को ही ठग निशाना बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इन छात्रों का डाटा ठगों के हाथ कैसे लगा, यह अभी जाँच का विषय बना हुआ है। क्योंकि कॉलर ठग ने NIC लखनऊ से बोलने की बात कहकर छात्रों और प्राचार्यों को अपने झांसे में लेने का भरसक प्रयास किया है। समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी ने उस्मानी डिग्री कॉलेज का छात्र बनकर कॉलर से बात की, तो उसने विश्वास जमाने के लिए बताया कि उस्मानी डिग्री कॉलेज के खाते में 90,000 रुपये बचे हैं। इसी तरह उसने अन्य कॉलेजों के खाते में रकम शेष होना बताकर छात्रों को झांसे में लेने का प्रयास किया। अधिकारियों ने जब खाता संख्या के आधार पर ठग को ट्रेस करने का प्रयास किया तो उसका अंकुर सिंह का नाम सामने आया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया गया तो यूपी स्कॉलरशिप का नाम सामने आया है। अब देखिए, इस पर अधिकारी क्या बोले हैं उस पर वो भी बता दें हम आपको
कि देखिए अभी तक किसी छात्र द्वारा पैसा जमा करने की बात सामने नहीं आई है। जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो तुरंत ही सभी कॉलेजों को ऐसी फोन कॉल से सावधान रहने के लिए कहा गया है। ये ओपी सिंह ने कहा है जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वहाँ के, और जो वहाँ के DIOS हैं डॉक्टर RK जायसवाल, उन्होंने कहा है कि सभी कॉलेजों के प्रचार और प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों को सूचना भेजकर इस तरह की ठगी के बारे में बताया गया है, साथ ही छात्रों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कोई छात्र ऐसे ठगों के झांसे में कतई ना आए। तो ये दोस्तों न्यूज़ ज़रूर लखीमपुर खीरी की है, लेकिन आप लोग भी सावधान रहिए। यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करे कि आप इतना पैसा हमको जमा करा दीजिए, इतने घंटे के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो बिल्कुल भी उनके झांसे में ना आए, क्योंकि देखिए स्कॉलरशिप देना उनके हाथ में नहीं है, वो तो विभाग से है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है या अस्वीकृत है तो किसी भी हाल में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती, आप चाहे जितना पैसा दे दें। और अगर आपकी अभी फॉर्म वेरीफाइड है, रिजेक्ट भी नहीं है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आप विभाग से बात करिए, समाज कल्याण विभाग से, या तो अपने कॉलेज से संपर्क करिए, ठीक है, या तो फिर आप ऑनलाइन जो भी न्यूज़ मिलती हैं यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पर वहाँ से जानकारी लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई कॉल करे कि हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दो, इतना अमाउंट भेज दो हमको, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे कोई भी जो व्यूअर्स हैं वो ठगी का शिकार ना हो। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।